एक्सरसाइज 6.10 स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के वर्ड सम्स दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट देखो, द कॉस्ट ऑफ 5 kg शुगर इज़ ₹137/1/2। वट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर? देखो, आपको 5 kg शुगर की कॉस्ट दी गई है और आपसे 1 kg शुगर की कॉस्ट पूछी गई है। तो 1 kg शुगर की कॉस्ट निकालने के लिए जो आपकी 5 kg शुगर की कॉस्ट है, आप उसे 5 से डिवाइड कर दो। तो देखो, 5 kg शुगर की कॉस्ट है 137/1/2 rupees। अब आप इसको देखो, ये जो है कॉस्ट, ये आपकी मिक्स फ्रैक्शन में है। सबसे पहले आप इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करा तो देखो, आपकी फ्रैक्शन आई 275/2। अब आप इसे 5 से डिवाइड कर दो। चलो अब डिवाइड करते हैं। 275/2 डिवाइडेड बाय 5। तो देखो, एक फ्रैक्शन को आप एक होल नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो आपको क्या करना होगा, जो फ्रैक्शन है 275/2, इसे आप मल्टीप्लाई कर दो 5 के रेसिप्रिकल से। तो 5 का रेसिप्रिकल हुआ 1/5। उल्टा कर देना है हमें, जानते हो ना आप, पिछले एक्सरसाइज में भी हमने किया था। अब देखो, इसमें से कट हो सकता है 5। हाँ, 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5। तो देखो, आपका आंसर आया 55/2। आपका आंसर आया ₹55/2। 1 kg शुगर की कॉस्ट है 55/2। अब देखो, आपका क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में है, तो आपको अपना आंसर ही मिक्स फ्रैक्शन में देना होगा। अब आप इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। तो देखो, कन्वर्ट करना आप सभी को आता है। तो जब आपने कन्वर्ट किया, तो देखो, आपका आंसर आया ₹27/1/2। तो 1 kg शुगर की कॉस्ट होगी 27/1/2। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, सेकेंड, शमा बोट 25 meter क्लोथ, शी वॉन्ट्स टू कट द क्लोथ इन 8 equal pieces, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस। शमा ने 25 meter का कपड़ा ख़रीदा, अब वो इस कपड़े को 8 equal pieces में कट करना चाहती है, तो बताओ हर एक पीस की लेंथ क्या होगी। देखो, शमा ने जो कपड़ा ख़रीदा और जितने वो पीसेस कट करना चाहती है, आप उसे उससे डिवाइड कर दो। तो देखो, शमा ने कपड़ा ख़रीदा 25 meter और वो 8 equal pieces करना चाहती है इसके, तो आप 25 को 8 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर निकल आएगा। तो चलो अब हम डिवाइड करते हैं। स्टेटमेंट्स आप लिखी लोगे इसकी। तो चलो अब डिवाइड करते हैं हम। 25 divided by 8। तो देखो, हमें आंसर फ्रैक्शन में लाना है। तो 25 को हमने 8 से डिवाइड करा, तो देखो 25/8 ये फ्रैक्शन आई आपकी। अब देखो, जो आपका क्वेश्चन है 25 meter कपड़ा था, 8 equal pieces करने थे, तो देखो हर एक पीस की लेंथ होगी 25/8 meter। तो देखो, ये आपका आंसर हुआ। अगर आप इस फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। देखो, यहाँ मैंने कन्वर्ट करा भी हुआ है, मैंने 25/8 इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो देखो फ्रैक्शन आ रही है 3 1/8 meter। हर एक पीस की, हर एक टुकड़े की लेंथ होगी 3 1/8 meter। क्लियर है बेटा? तो ये आपके वर्ड सम है। चलो एक और करते हैं। नेक्स्ट देखो, थर्ड, 3/4 cups ऑफ कोकोआ इज नीडेड टू मेक अ चॉकलेट बार। इफ़ रोहन वॉन्ट्स टू मेक 16 chocolates, हाउ मेनी कप्स ऑफ कोकोआ आर रिक्वायर्ड। देखो, यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक चॉकलेट बनाने के लिए 3/4 cups कोकोआ की ज़रूरत होती है। अब रोहन वैसे ही 16 chocolates बनाना चाहता है, तो बताओ उसे कितने कप्स कोकोआ की ज़रूरत होगी। तो देखो, एक चॉकलेट बनाने के लिए कोकोआ की ज़रूरत है 3/4 cups। अब उसे 16 chocolates बनानी है, तो उसे कितने कोकोआ कप्स की ज़रूरत होगी। तो आप 16 को 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, इसमें डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक चॉकलेट बन रही है इतने कोकोआ से, तो 16 चॉकलेट कितने कोकोआ से बनेगी। तो जितने कोकोआ से एक चॉकलेट बन रही है, तो आपको 16 चॉकलेट पता करनी है कितने कोकोआ से बनेगी। तो आप 16 को उससे मल्टीप्लाई कर दो जितने से एक चॉकलेट बन रही है, जितने कोकोआ से आपकी एक चॉकलेट बनी है। तो देखो, एक चॉकलेट बनी है आपकी 3/4 cup कोकोआ से, तो आप 16 को 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं। 16 multiplied by 3/4। अब इसे मल्टीप्लाई करना है हमें, डिवाइड करना होता तो हम रेसिप्रिकल करते, पर लेकिन देखो हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करो, कट कर दो 4 1 4 4 4 16।
तो देखो 4 × 3 हुआ, 4 × 3 = 12, तो आपका आंसर हुआ 12। 12 कप्स कोकोआ की ज़रूरत पड़ेगी 16 चॉकलेट्स बनाने के लिए। क्लियर है बेटा, समझ में आया? चलो ये भी कंप्लीट हुआ आपका। अब देखो फोर्थ, 2 × 3/4 liter ऑफ पेंट इज नीडेड टू कलर 1 square meter ऑफ अ वॉल, हाउ मच पेंट इज रिक्वायर्ड टू पेंट 3 × 1/2 square meter ऑफ द वॉल। देखो 2 × 3/4 liter पेंट की ज़रूरत पड़ती है 1 square meter वॉल को पेंट करने के लिए। तो देखो 3 × 1/2 square meter वॉल को पेंट करने के लिए कितने पेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो देखो यहाँ पे आप 2 × 3/4 liter पेंट, जिससे आपका 1 square meter वॉल पेंट हो रहा था, आप उसे 3 × 1/2 square meter से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको पता चल जाएगा 3 × 1/2 square meter वॉल को पेंट करने के लिए कितने पेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो स्टेटमेंट आप लिख लोगे। अब देखो 2 × 3/4 liter पेंट, इससे आपका 1 square meter वॉल पेंट हो रहा था। अब आपको पता करना है कि 3 × 1/2 square meter जो है वॉल, वो कितने पेंट में आपकी कलर हो जाएगी, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो दोनों फ्रैक्शन आपकी मिक्स फ्रैक्शन है, सबसे पहले तो आप इन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। पहले आप कन्वर्ट करोगे, देखो कन्वर्ट हमने करा तो फ्रैक्शन आई हमारी 11/4 and 7/2। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो मल्टीप्लाई आप करते हैं, इन्हें कट तो कुछ हो नहीं सकता, तो अब इन्हें न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 × 7 = 77, 4 × 2 = 8, तो 77 × 8 liter पेंट की ज़रूरत पड़ेगी हमें उस वॉल को पेंट करने के लिए, जितनी हमसे क्वेश्चन है पूछी गई है। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो ये वर्ड सम्स हैं, इसमें आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, पता करना है कि आपको डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, फिर आप इन्हें डिवाइड करोगे, और मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करोगे। ओके बेटा, तो आपकी एक्सरसाइज 6.10 यहाँ पे कंप्लीट होती है। आगे जो 5th और 6th आपको दिया गया है उन्हें आप खुद ट्राई करोगे, और एक्सरसाइज 6.9 और 6.10 को अपनी नोटबुक में करोगे और इन दोनों की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। क्लियर है बेटा? तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप इन दोनों एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक में कीजिए और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।